एक तो रतन बिहारी पार्क में वर्षों से वहाँ पर दुकानें लग रही है जो अलॉटमेंट होती है सरकार द्वारा, तो उनको हटा दिया गया है। उनको कोरोना के कारण उनको कह रहे हैं कि वहाँ पर अलॉटमेंट नहीं की जा रही है, लेकिन वहीं रतन बिहारी पार्क में अलग से दुकानों के आगे उसी की तरह से वो कपड़ों की दुकानें लगी हुई है, तो वहाँ परमिशन कैसे दे दी गई है। उसके अलावा भी दूसरी जगह एक प्राइवेट जगह पर दुकानें खोली जा रही है, तो क्या 130 लोगों को बेरोजगार कर और दूसरी जगह प्राइवेट जगह पर परमिशन दी जा रही है, ये गलत है, अवैध है। हम इसके बारे में उनसे बात करें, 130 लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, वो गलत है। अब आप क्या चाहते हैं? तो उनको भी अगर जो परमिशन दे तो उन